आज प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले दिवाली के मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर रोशनी से जगमग है। बाबा केदार के धाम को बेशुमार फूलों से सजाया गया है। रात की जगमग रोशनी में यह सजावट देखते ही बन रही थी। पूरे देश से भक्तों की भीड़ भी बाबा के दर पर उमड़ी है। दिवाली के मौके पर कल बाबा के दरबार पर विशेष महाआरती भी की गई है और इस दौरान सुरक्षा बल के जवान बैक पाइपर से धुन बजाते नजर आए। हर हर महादेव। ये दिवाली केदारनाथ वाली इस वक्त हम मौजूद हैं केदारनाथ धाम में और केदारनाथ धाम की तस्वीर अपने आप में विहंगम है। रंग में नहाया हुआ केदार, फूलों से सजाया हुआ केदार और इस दीपावली पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में दर्शक या कहें कि भक्त पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ इस वक्त तापमान जीरो के आसपास है क्योंकि -6 न्यूनतम तापमान केदारनाथ के आसपास जाता है, इस वैली में जाता है, तो समझ सकते हैं तापमान काफी कम है। और अगर यहाँ आप देखेंगे तो लोग दिए जला रहे हैं, जय बाबा केदारनाथ ये दियों के जरिए लिखा गया है। लोग दूर दूर से आए हैं, यहाँ स्थानीय लोग भी हैं और बाहर से भी आए हैं और इस दिवाली को खास बना रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कविता नेगी, मैं बेसिकली अगस्त मुनी से हूँ एंड अभी देहरादून से आई हूँ। अच्छा, अभी देहरादून से आए, तो पहली बार आए हो, अक्सर आते रहे हो? नहीं, हम अक्सर आते हैं। अक्सर आते रहे हाँ, तो यहाँ की दिवाली अलग कैसे होती है? यहाँ की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि ये बाबा केदार के दरबार की दिवाली है और हम यहाँ पे दिवाली मोस्टली हम दिवाली पे ही आते हैं क्योंकि आते हैं तो यहाँ पे महादेव साक्षात रूप में विराजमान रहता है। तो महादेव साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं, हर हर महादेव के नारों के बीच देश भर से भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो यहाँ के स्थानीय कहे उत्तराखंड वासी हैं वो अक्सर दीपावली पर ही आते हैं, लेकिन भारत भर के लोग यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो आपको केदारनाथ धाम दिखाई देगा, लेकिन एक और अलग बात आपको यहाँ दिखाई देगी कि केदारनाथ धाम के अलावा यहाँ जो भी परिसर हैं, जो रहने के लिए बनाए गए हैं, वहां कोई लाइट नहीं है, केवल एक ही आकर्षण है, वो है बाबा केदारनाथ का धाम। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? काशी से आए हैं। काशी से आए हैं, तो काशी की दिवाली तो आपने खूब देखी होगी, केदारनाथ कितनी बार आए हैं? केदारनाथ आज चौथी बार आए हैं। चौथी बार, तो केदारनाथ की दिवाली किस तरह से अलग है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देवों के देव महादेव की दिवाली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए हैं? जी हाँ। तो दिवाली के तौर पर विशेष कोशिश की गई आप इस दिन आए? जी हाँ, मेरी एक्चुअली 2-3 साल से ये कोशिश थी कि मैं किसी तरह से दिवाली बाबा के साथ बनाऊं और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मन इतना तृप्त हो गया है कि कुछ उस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। एक और परिवार है जो यहाँ आया है। सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मिसेज राखी नेगी। नेगी जी कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आई हूँ सर। तो दिवाली पे अक्सर आते रहे हैं? आपकी बार पहली बार आए? टाइम फर्स्ट टाइम आई हूँ सर। तो यहाँ की दिवाली अलग कैसे लगी आपको? सर बहुत अलग है, भगवान की गोद में बैठकर बना रहे हैं। अपने घर में तो रोज ही बनाते हैं, दिए जलाए। सुबह 5 बजे में मंदिर के अंदर जाप करने बैठ गई थी। अच्छा, तो मंदिर में जाप किया है, खिल खिलौने से पूजा करने का विधान है, वो चल रहा है, हर हर महादेव के नारे हैं। और यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो पटाखे भी फूट रहे हैं, आपको उस दिशा में भी लेके चलेंगे। और यहाँ रात की थाली भी है। हाँ जी बाबा। हाँ जी। केदार की दिवाली किस तरह से अलग? अरे बहुत बढ़िया बन रही है और बढ़िया आरती हो रही है और पूजा पाठ भी बढ़िया चल रहा है, यात्रा बढ़िया चल रही है। कहाँ से है बाबा? हम हरिद्वार से हैं जी। हरिद्वार से हैं? हाँ जी। तो दिवाली पे आते हैं, अक्सर आते रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हरिद्वार से हैं, 6 महीने रहते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ आए हैं जो इस दीपावली को अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं, हर कोई फोटो ले रहा है और ये सैकड़ों हजारों की भीड़ है जो यहाँ दीपावली मनाने के लिए आई है। दीपावली के इस मौके पर आर्मी बैंड का भी आयोजन किया गया है, जो आर्मी की धुन है, हर हर महादेव के नारे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ आर्मी बैंड परफॉर्म कर रहा है और उनको बड़ी शांति से लोग यहाँ सुन रहे हैं। ये बाबा केदारनाथ के लिए आर्मी का बैंड है जो यहाँ दीपावली पर म्यूजिकल धुन पेश करने के लिए विशेष तौर पर आया है। तो ये बाबा केदार का द्वार है जहाँ बड़ी संख्या में लोग दीपावली मनाने के लिए पहुंचे हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ उस लम्हे को कैमरे में कैद कर रहे हैं।
टेम्परेचर काफी कम है, सर्दी ज्यादा है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।